लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स किसी भी हो सकती है, तमिल हो सकती है, गुजराती हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये क्या दी हुई है, भाषा की डेफिनेशन दी हुई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। भाषा लैंग्वेज इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वह साधन है, मतलब कि उसके थ्रू हम हमारे जो विचार है, जो हमारे भाव है, हम सैड है, हम हैप्पी है, जो भी है, उसके द्वारा हम वो भाषा के द्वारा हम एक दूसरे को अपने भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि सैड हो, तो अब आपको किसी को कोई चीज बतानी है, तो आप चुप रहोगे तो सामने वाला समझेगा, नहीं समझेगा। जब आप उसको बोलोगे तब वो समझेगा कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो आप कैसे बताओगे किसी को कि आप हैप्पी, आप चुप रह के बता सकते हो, आपसे स्माइल देके बता सकते हो, नहीं बता सकते। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि मैं इस वजह से हैप्पी हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारा भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज क्या आती है, सेकेंड चीज हम जैसे कि किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर लिखना भी एक भाव प्रकट करना होता है, हम उसके अंदर अपनी सारी फीलिंग्स लिखते हैं कि हमारी ये फीलिंग्स है। तो उसको जब पढ़ता है, वो भी लिखना, सॉरी लेटर लिखना पढ़ना, वो सारे क्या होते हैं, वो भाव प्रकट करना होता है। कोई आपको सुनता है, वो भी एक भाव प्रकट करना होता है, ठीक है। तो ये होती है भाषा। अब जैसे कि पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी भी बोल कर, आपने सुना होगा कुत्ता है वो बात करता है, बोलता है, तो जो बर्ड्स है वो अपनी आवाज में, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी अपने भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे हम भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे, हम जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से नहीं बोल पाते। लेकिन वो भी बोलकर अपनी, अपना जो भी भाव है, अपनी जो भी फीलिंग है, वो प्रकट करते हैं। भाषा कौन बोलता है, भाषा सिर्फ मनुष्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, भाषा कि हम किसी को भी अपना जो भी फीलिंग है प्रकट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं भाषा। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण का मीन्स क्या होता है, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर हमको क्या सिखाता है, बोलना पढ़ना और लिखना, मीन्स हमको जैसे कि हम कभी सरप्राइज होते हैं तो वो चीज हमको कौन सिखाता है, ग्रामर सिखाता है। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क है, भाई हमारा वाक्य पूरा हुआ तो वहाँ हमने पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाया, तो वो क्या हो रहा है, वो चीज हमको कौन सिखाता है, हमको, हमको ये सारी चीजें किससे सीखने के लिए मिलती है, ग्रामर से सीखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज हमने लिए, वो देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में भाषा शब्दों के उच्चे देखा कीजिए। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है, इसके अंदर भाषा हम किसे कहेंगे, उसके नीचे हमको क्या करना है, तो उसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है, रेखा खींचनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपस में बातचीत के समय हम बोलकर एक दूसरे के विचार जानते हैं। अब हम जब आपस में बातचीत करते हैं, तो अगर दो इंसान बात कर रहा है, तो उसमें से एक इंसान बोलता है, दूसरा इंसान सुनता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अपने जो भी भाव है वो एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं। मतलब एक इंसान अगर हैप्पी है तो वो अपने कुछ भाव प्रकट कर रहा है, और सामने वाला उसको सुन रहा है, और उसके साथ वो भी खुश हो रहा है। तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अपने अपनी जो भी फीलिंग्स है वो शेयर कर रहे हैं भाषा, भाषा के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हमको अंडरलाइन करनी है, जिसको हम भाषा बोलेंगे। तो आपस में बातचीत के समय बोलकर, तो बोलते हमारे क्या हुआ, भाषा हुआ, और तथा सुनकर, तो सुनकर भी हमारे क्या हुआ, भाषा हुआ। तो हमको अंडरलाइन किसपे करनी है, बोलकर और सुनकर, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड, तो पत्र द्वारा लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं। तो अब जब, जैसे कि मैंने आपको जब डेफिनेशन लिया तब मैंने आपको बताया कि जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें भी हम क्या अपने क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं। जब भी हम कोई भी कोई पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर भी हमारी फीलिंग्स शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, तो उसमें भी हम इनविटेशन के अंदर भी हम लिखते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आओगे, तो वो क्या हुआ, हमारा एक भाव हुआ, ठीक है। तो हम लेटर के अंदर भी अपने भाव प्रकट करते हैं, तो और लेटर के अंदर हम किस तरीके से हमने भाव प्रकट करते हैं, तो लिखकर प्रकट करते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, पत्र द्वारा लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं। तो हम अंडरलाइन किसपे करेंगे, लिखकर पे करेंगे, इसी पत्र से हम लिखकर अपने भाव प्रकट करते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर, व्याकरण भाषा को सही 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 बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है, जैसे कि हमने इसमें भी देखा। तो व्याकरण के कारण हम सही बोलना, सही लिखना और सही पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से हमारे हमारा
जो भी है वो प्रकट करते हैं। जैसे कुत्ता है तो वो बात करके भौंक के अपने मन की भाव प्रकट करता है, बिल्ली है तो वो अपनी आवाज निकालकर अपने अपने जो भी मन की बात है वो प्रकट करती है, पक्षी है, कोयल है, तो कौवा है, ये सारे लोग भी अपने जो भी आवाज होती है वो निकालकर अपने मन का भाव जो है वो प्रकट करते हैं। लेकिन उनको हम भाषा जैसी भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी उनकी जो आवाज होती है उसमें वो अपने भाव प्रकट करते हैं। वो पशु पक्षी विभिन्न आवाज है तो आवाज से हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये उनकी भाषा है, ठीक है। निकालकर अपने भाव प्रकट करते हैं। अब हम एक बार फिर से देखते हैं, आपस में बातचीत के समय हम बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे के विचार जानते हैं। बोलकर और सुनकर हम एक दूसरे के विचार जानते हैं। पत्र द्वारा लिखकर, पत्र द्वारा हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और व्याकरण भाषा को सही बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के कारण हम बोलना पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और पशु पक्षी जो होते हैं वो विभिन्न आवाजें निकालते हैं, जो हम जूम में हमारा